नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एमके अकमल। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के पलामू ज़िले में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये डीसी कार्यालय है जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और यहां पर जो लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, आपको बता दें कि पलामू डीसी के द्वारा लगातार जो है वो जनता दरबार यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिसके चलते जो है बहुत सारे लोगों को न्याय मिल पा रहा है, बहुत सारे लोगों की समस्याएँ जो है वो सुनी जा रही है, उस पर काम करी जा रही है। ऐसे ही एक तस्वीर जो हमारे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी, लोग भी आज जो पलामू डीसी के द्वारा जनता दरबार लगाया गया था, उसी जनता दरबार में ये लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। आइए इनसे हम लोग जानेंगे कि क्या जनता दरबार में इनकी समस्याओं को सुना गया, क्या कहते हैं ये। चाचा, आप अपना परिचय बताइए, कहाँ से? रामप्रीत महतो, हरैया कला। अच्छा, रामप्रीत महतो नाम है और हरैया कला से? हरैया कला। हरैया कला बोले तो नावा जयपुर? नावा जयपुर थाना। अच्छा, नावा जयपुर थाना। क्यों आए हैं चाचा आप यहाँ पे? हम आए हैं, हमें बड़ा जबरदस्ती हमारे ज़मीन में मकान बना दिया दिलीप महतो, और थाना जला तो कुछ भगा देता है, और सीओ के पास जाता है तो कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ, कौन से सीओ, कौन से थाना की बात कर रहे हैं? अभी थाना नावा जयपुर। अच्छा, थाना नावा जयपुर। हाँ। और अंचल अधिकारी? अंचल पाटन। अच्छा, पाटन अंचल जो है। हाँ जी। उनके पास आपके हाथ में हम कुछ कागजात भी देख रहे हैं, आप थोड़ा सा दिखाएंगे ये? अच्छा अच्छा, ये क्या है? आज अच्छा, ये कैमरामैन से चाहूँगा कि आप थोड़ा सा दिखा दें, आज जो जनता दरबार आज जो पलामू डीसी की तरफ से लगाया गया था, उसी जनता दरबार में इन्होंने एक आवेदन दिया है, दबंगता पूर्वक जमीन पर कब्जा करना तथा मिली भगत से जाली दस्तावेज बनाकर जमीन पर सरकारी अबुआ आवास के पैसे से विवादित भूमि पर जबरन मकान निर्माण कर पूरा करने के संबंध में। तो इस तरह के आवेदन के साथ आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहा गया डीसी सर की तरफ से, क्या आश्वासन आपको मिला? बोले कि क्या बात है, तो हमारे जमीन है, हमें दिलीप महतो जबरदस्ती जो है तो घर मकान बना दिए, और मना करते हैं तो दौड़ जाता है मारे, अभी हालत नहीं पर बस बंद कर दिया कि जाओ। अच्छा, मतलब आपकी बात जो है वो पलामू डीसी साहब सुने हैं, आप उनको बात अपना बताएं? हाँ। उसके बाद उन्होंने वो अपने अधिकारियों को उन्होंने आगे किया होगा। चलिए, इस बारे में और हम लोग जानकारी लेंगे। कुछ लोग और हैं यहाँ पर जी। क्या नाम है, आप अपना परिचय? मेरा नाम अविनाश प्रकाश हुआ, और ग्राम हरैया कला का ही निवासी। यहाँ यहाँ पर चाचा के साथ में। हाँ, क्या अपना नाम? मेरा नाम अविनाश प्रकाश ही हुआ, ग्राम हरैया कला के ही निवासी हम लोग हुए। इस जमीन विवाद में आज दूसरी बार डीसी सर के साथ हम लोग आवेदन देकर के मिले हैं। पहले बार उन्होंने मुलाकात में पाटन अंचल अधिकारी को केस फॉरवर्ड करते हुए मामले की जानकारी लेने को कहा। पाटन अंचल अधिकारी के द्वारा प्रशासनिक नोटिस देने के बावजूद भी वो लोग मकान निर्माण कार्य निरंतर कंटिन्यू जारी रखे हुए हैं, दिनों रात लग करके मकान बनाने का कार्य कर रहे हैं, और ना अंचल अधिकारी के तरफ से उस पर रोक लगाई गई और ना ही नावा जयपुर थाना के तरफ से उस पर रोक लगाई गई। अब क्या, अब जब आप लोग यहाँ पर आए हैं तो क्या लगता है, आपकी समस्या को यहाँ सुना गया डीसी साहब की तरफ से, जो लगातार जनता दरबार लगाया जा रहा है लोगों के लिए, क्या उसमें आपको मदद मिला? मिला सर, आज तो दूसरी बार हम खुद ही आए, जब पहली बार में हम लोग को न्याय नहीं मिल पाया तो आज दूसरी बार खुद आए हैं। अब पता नहीं कि अब फिर इसी मैटर में क्या कहा, तीसरी बार देखते हैं मामला को, संज्ञान में लिया है जी, जी, जी। पिछली बार भी आप बता रहे जब आप आए थे, संज्ञान में लिया है मामला, और उन्होंने अंचल अधिकारी को फॉरवर्ड भी किया था, लेकिन मकान अभी भी निरंतर बनते जा रहा है। अंचल अधिकारी ने क्या कहा? देखते हैं कागज उनका, देखते हैं और आप लोग का भी देखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई मकान को रोकने के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की, अभी भी मकान निरंतर बनाया ही जा रहा है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? कागज की सर जांच हो, जो उन्होंने जाली का दस्तावेज अंचल से बनवाए हुए हैं उसकी जांच हो, जांच में खुद ही पता चल जाएगा कि जमीन का मालिक असल में कौन है, उसके बाद जो सच्चाई हो उस पर काम हो, लेकिन जांच होने के बाद हो, सिर्फ एक जाली कागजात के बल पर वो सिर्फ मकान बना ले ऐसा कौन अभी क्या वो जो जमीन है, जो विवादित जमीन है, उस पर काम अभी चल रहा है? एकदम निरंतर दिन रात काम चल रहा है, मजदूर न मिलने पर खुद ही परिवार के सदस्य अपने से लग भिड़ करके मकान को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहते हैं। आप साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि मामला जो है वो डीसी के संज्ञान में है, मामला अंचल अधिकारी के संज्ञान में है, मामला न्यायालय में जी। इसी जमीन विवाद में हत्या तक हो चुकी है, इसी जमीन विवाद में रेप केस मारपीट कितना हुआ है जो नावा जयपुर थाना में दर्ज है, लेकिन फिर भी हमारे
इसी जमीन के विवाद में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी तक हम लोग जनता दरबार, थाना, अंचल अधिकारी के पास ही दौड़ते रह जा रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है और विवादित लोग निर्भय होकर के मकान बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम जनता दरबार के बारे में अगर हम फीडबैक आपसे लें कि जिस तरह का लगातार जो है वो पलामू डीसी सर का एक पहल है कि लोगों की समस्या वो खुद सुने, जनता दरबार के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या यहाँ सर जनता दरबार से केस तो फॉरवर्ड होता है, लेकिन अधिकारी अगर उस पर अमल करे तब तो कुछ सुनो। ये कोई बात हुई, अब डीसी का ऑर्डर अधिकारी अमल ना करे, कहाँ करते हैं सर? जब आखिर अंचल अधिकारी के पास हमारा केस भेजा गया, ये प्रशासनिक नोटिस भी है हमारे हाथ में, ये आप देख सकते हैं, ये प्रशासनिक नोटिस देकर दोनों पक्षों को बुलाया गया कि आप आकर के अपना अपना पक्ष रखें। हम लोग दोनों ने जाकर के पक्ष रखा, लेकिन अभी तक काम वहां पे जारी है और आज दूसरी बार हम लोग डीसी साहब के पास अपनी फरियाद को लेकर आए हुए हैं। इसको देखे तो बोले कि अब इसका प्रमाण दिखाओ, तो प्रमाण में ये जलीय कर्जा दिखावे और इसका प्रमाण दिखावे जो कैसे कटाया रसीद, तुम कौन प्रमाण पर रसीद काटा तुम? ये तो अंचल अधिकारी या फिर उनकी मिली भगत से ही ये सब हुआ होगा। हाँ, जो इल्जाम आप लगा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अब इतने पर कल जाओ। चलिए, तो आपने सुना, ये थे नवा जयपुर से आए हुए एक पीड़ित परिवार ही है जो कि अपनी ज़मीन की जो इनका यहाँ अवैध कब्जा हो रहा है उसे लेकर के ये पलामू डीसी साहब के जनता दरबार में ये लोग आए थे और यहाँ पर इनकी समस्या को सुना जाता है और उसे फॉरवर्ड भी कर दिया जाता है, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक जो है वो अंचल अधिकारी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, विवादित ज़मीन पर लगातार निर्माण कार्य जारी हैं, इस तरह की बात ये कर रहे हैं। और भी बड़े अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ आप बने रहें। कैमरा पर्सन विकास पासवान के साथ 24/7 झारखंड।